लूका रचित सुसमाचार उसका 7:36-50। और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है गो इन पीस, शांति से जाओ। चलिए 34 से बहन मुझे मदद करेंगे। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। तो यीशु मसीह को क्या कहा जाता था पता है? यीशु मसीह को पापी और चुंगी लेने वालों का दोस्त कहा जाता था। यीशु के पापी कोरोग्राही मोदोपाई इधर बंधु बोला तो यीशु के क्यों कहा जाता था पता है? क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों के बीच में ही ज्यादा रहते थे। यीशु पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ वो रहते थे, बट ही नेवर कमिटेड अ सिंगल सिन। मैं यहां से क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आज जो घटना हम लोग सीखने जा रहे हैं उसका शुरुआत यहां से हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज फिर से एक और घटना के द्वारा यीशु मसीह दिखा रहा है कि वो कितना ज्यादा हमदर्दी जताता है पापियों के प्रति, पाप के प्रति नहीं। ही लव्स सिनर नॉट सिन। यीशु मसीह पापियों से प्यार करते हैं लेकिन पाप से नहीं। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पापी हैं हम चर्च नहीं जाएंगे, हमरा तो पाप करेछि हमरा स्वर्ग राज्य जाबो ना हमरा नरके ही जाबो। लेकिन जो लोग इस तरह का बात कहते हैं मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि यीशु ने कभी भी नहीं कहा कि मैं धर्मियों के लिए आया हूं। उन्होंने हर बार अपने मैसेज में हो या फिर अपने जीवन के द्वारा हो उन्होंने दिखाया कि मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन मैं पापियों के लिए आया हूं। वो पापियों को उद्धार करने के लिए वो आया था, वो पापी और चुंगी लेने वालों के बीच में रहता था, लेकिन वो कभी भी उनके बीच में रह करके भी उन्होंने एक भी पाप गुनाह नहीं किया उन्होंने। लेकिन उनके साथ रहने के द्वारा बहुत सारे लोगों का मन परिवर्तन मन फिराव जरूर हुआ है। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बहुत सारे लोगों ने मन फिराया पश्चाताप किया। उसने दिखाया कि वो कितना ज्यादा पापियों से प्यार करता है। हम लोग आगे देखने जा रहे हैं इस घटना में और शुरुआत कुछ इस तरह से हो रहा है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। और ये जो फरीसी है ये नया नियम में ये शब्द मोर देन 98 टाइम ये नया नियम में आया है न्यू टेस्टामेंट में। और फरीसी ये जो शब्द है इस शब्द का अर्थ होता है सेपरेट और डिटैच। सेपरेट या फिर डिटैच का मतलब क्या होता है? अलग। फरीसी धर्म तो अनेक मेंटालिटी थाके कि ना आचे कि ना एखनकार समाजे आचे एदेर साथे केन ओटा बसा करब हाई क्लास लोकदेर साथे ओरा हाई क्लास हाँ আছে এরম লোকের আছে এদের সাথে কে উঠা বসা করবে। লেকিন মেরা খুদা এসে লোকের সাথে উঠতে বেঠতে থে চুঙ্গি লেনে ওয়ালো কে সাথে পাপিও কে সাথে উঠতে বেঠতে থে ও হ্যাঁ না কিউকি উনকো বহুত জ্যাদা উনকে প্রতি হমদর্দি থা তাকি ও মন ফিরায়ে ও স্বর্গ রাজ্য কা ওয়ারিস বনে। অর ফরিসি এক ফরিসি নে কিয়া কাহা ইয়েশু মসিহ কো কিয়া কিয়া উসনে খানে পর বুলায়া। रेवलेशन चैप्टर 3:20 प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में क्या लिखा है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो यीशु ने कहा है प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में कि मैं द्वार पे हूँ मैं खटखटाता हूँ अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं आऊंगा और उसके साथ बैठ करके मैं भोजन करूंगा। ठीक है तो इस घटना में शायद बहुत सारे सिमिलैरिटीज हम देख पा रहे हैं कि फरीसी क्या करता है यीशु मसीह को खाने पर बुलाता है। उसने अपने घर के दरवाजों को यीशु के लिए खोला और यीशु कहां तक पहुंच गया? डाइनिंग टेबल तक पहुंचा। ठीक लेकिन मन परिवर्तन किसका होता है?
उस वेश्या का होता है, पापिनी स्त्री का, फैरिसी का नहीं हो पाता है। बताओ क्यों? अजीब नहीं लगा? क्यों नहीं हो पाता जानते हैं? क्योंकि बहुत बार हम यीशु के साथ ऐसा ही ट्रीट करते हैं। वी बिहेव लाइक अ फरीसी। हम एक फरीसी के तरह क्या करते हैं, बिहेव करने लगते हैं। क्या आपने फरीसी के बिहेवियर को नोटिस किया? इस पूरे घटना में हम आगे देखेंगे कि उसने यीशु को बुलाया तो ठीक है, लेकिन उसने यीशु को वेलकम नहीं किया। वेलकम करने के लिए बहुत सारे वहां पे रिचुअल्स होते हैं जो उस फैरिसी ने नहीं किया, लेकिन उस वेश्या ने किया था जरूर। यीशु मसीह सिर्फ उस फैरिसी के डाइनिंग टेबल पर ही पहुंच पाया था, ओके, लेकिन उसके बेडरूम तक नहीं। देखिए हम में से बहुत कोई क्या करते हैं पता है, यीशु मसीह को सिर्फ डाइनिंग टेबल तक बुलाते हैं, आओ खाना खाओ एंड गेट आउट। यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करो, उसको इंटरफेयर करने दो। तुम्हारे बेडरूम तक लाओ यीशु मसीह को, उसको डाइनिंग टेबल तक बिठा के मत रखो। यीशु को सिर्फ आप डाइनिंग टेबल तक खाने के लिए मत बुलाओ। बहुत बार हम फरीसियों की तरह बिहेव करते हैं यीशु मसीह के साथ। ठीक है प्रभु, धन्यवाद, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप यहां पर आए हैं, आप इस सभा को चला रहे हैं, धन्यवाद। और उसके बाद हम अपना इंटरफेयर करना शुरू करते हैं हर जगह पे। प्रॉब्लम यही पे हो जाता है कि जब हम उसको बुलाकर उसको पूरा नियंत्रण हम नहीं देते, पूरा उसको पूरा नियंत्रण दो, सिर्फ डाइनिंग टेबल तक नहीं, तुम्हारे बेडरूम तक यीशु मसीह को लेकर के जाओ, उसको पूरा अधिकार दो अपना घर का, अपने जीवन का। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि फरीसी ने यीशु मसीह के साथ कौन सा जगह को चुना था, टेबल में बैठने का। हा? उसने यीशु मसीह के साथ बराबरी किया कि मैं भी तेरे साथ टेबल पर बैठूंगा। लेकिन उसी घर में एक स्त्री आती है जो कि टेबल पर नहीं, जो कि यीशु मसीह के चरणों पर बैठती है। आप कौन सा वाला स्थान आप चूज करते हैं बताइए, आपको कौन सा स्थान चाहिए, टेबल में बराबरी करना है या फिर उसके चरणों में रहना है? हाँ, मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा दया, सबसे ज्यादा अनुग्रह, ग्रेस, सबसे ज्यादा प्यार वहां पर मिलेगा। इस घटना में है, आगे आपको देखने को मिलेगा। आप कौन से जगह को चुनते हैं? यीशु ने खुद बहुत बार क्या किया है, उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी उन्होंने दिया कि जब तुम कहीं पर जाते हो तो प्रधान आसनों पर मत बैठ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि उस घर का जो हेड है वो आकर के तुम्हें बोले नीचे बैठने के लिए, इसीलिए तुम जाकर के नीचे बैठो, ताकि जब आकर के वैसे गृहकर्ता जब तुम्हें देखबे तिनी तुम्हें बोलबेन जो है तुम्ही ऊपर से बसो। हाउ मेनी ऑफ अस, हम में से कितना जन है यीशु मसीह का बराबरी करना चाहते हैं, कितना जन टेबल में खाना चाहता है यीशु मसीह के साथ? शायद हम बोलते नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव हाव भाव भी वैसा ही होता है। आपके पास ये डिसीजन है, आपके पास ये चॉइस है कि आप कहां पर बैठना चाहते हैं, यीशु के चरणों पर या फिर उसके साथ टेबल पर। अगर आप उसके चरणों को चुन लेते हैं तो प्रभु आपको उठाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस घटना में। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन
भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। एक फरीसी के बारे में हमने जाना जो कि एक फेमस व्यक्ति था उस शहर में, और यहाँ पे एक और फेमस स्त्री है जो कि उस शहर में फेमस था। एक फरीसी है इसी वजह से फेमस, और एक वेश्या है इसी वजह से। उसको इनविटेशन नहीं मिला था, फरीसी ने उसको नहीं बुलाया था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे वो इस मौके को गवाना नहीं चाहती थी और वो चली जाती है फरीसी के घर में पश्चाताप करने के लिए। यीशु के चरणों पर आकर के वो गिर जाती है, बहुत रोती है उसने, बहुत रोया वो। शायद उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना ज्यादा नहीं रोया है। तो ये आपका और मेरा जो मगरमच्छ का आंसू है वैसा ही है। वो बहुत भयानक रो रही थी वहां पे। बाइबल बोलचे जो चोखे जल दिए पा धुए दीछिलो, चोखे जल दिए पा धोआ जाए। आंसुओं से किसी का पैर धोया जा सकता है पास्टर? नॉर्मली नहीं हो सकता है। लेकिन आप सोच करके देखिए वो कितना रो रही थी उस दिन कि उस वजह से उसने क्या किया, यीशु मसीह का पैर धो दिया। वो उसको कितना भयानक पश्चाताप हुआ अपने गुनाहों के लिए जो उसने इतना दिन तक किया था। पश्चाताप ये हर एक व्यक्ति को करना होगा, रिपेंटेंस जिसे कहा जाता है। और अगर आपने नहीं किया तो आपके लिए एक जगह वेट कर रहा है जिसको कहा जाता है नरक। देखिए मेरे प्रियो, मैं कह रहा हूं कि आज क्रिश्चियंस लोगों को पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है हमारे में से यहां पे बहुत कोई है या फिर बहुत यहां पे चर्च जाने वाले क्रिश्चियन है और जिन्होंने अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया है अपने गुनाहों के लिए। आप चर्च जाते हैं फिर भी आप लोगों से झगड़ा करते हैं, आप चर्च जाते हैं फिर भी आप गाली गलौज करते हैं, आप चर्च जाते हैं फिर भी आप खैनी खाते हैं, आप गुटखा खाते हैं, आप दारू पीते हैं, आप झगड़ा करते हैं लोगों से, आप हर तरह का गंदा काम आप करते हैं, चर्च जाते हैं फिर भी। आज उन लोगों को मन फिराना बहुत जरूरी है। तो अगर एक वेश्या अपने पापों के लिए अगर वो मन फिरा सकती है, रो रो करके इतना रोया उसने, बाइबल कहता है कि उसने उसके आंसुओं से यीशु मसीह का पैर उसने धो दिया, इतना रोया वो पश्चाताप। कैसा पश्चाताप था? क्या आपको पश्चाताप हुआ है कभी भी ऐसा जिंदगी में? अगर नहीं हुआ है मेरे प्रियो, तो आपको आपके जिंदगी में एक पॉइंट पर आकर के पश्चाताप करना होगा। मे बी यू आर अ गुड पर्सन, आप एक बहुत अच्छा व्यक्ति हैं, लोग आपको बहुत अच्छा कहते होंगे, आप हो सकते हैं कि चर्च में एक अच्छा पोजीशन में है, लेकिन आपने अगर अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप नहीं किया है तो आपके लिए अनंत मृत्यु वेट कर रहा है। हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को अपने गुनाहों के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे वो छोटा हो वो बड़ा हो, पाप तो पाप होता है और उसके लिए आपको रिपेंट करना होगा। एंड व्हेन यू रिपेंट, जब आप पश्चाताप करते हैं तो वो किस तरह होता है पता है? आप जगह नहीं देखते हैं, आप नहीं देखते हैं कि आपका मेकअप ठीक है या नहीं, आप इतना रो रहे हैं कहीं मेकअप मेरा बिगड़ तो नहीं गया, आप नहीं देखते कि मेरे आसपास में कौन है, बस आप चीखते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप छाती पीटते हैं कि इस पापी को क्षमा कर दे। अगर मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में अगर ऐसा स्टेज नहीं आया कभी भी, अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो आज एक छोटा सा मौका प्रभु आपको देना चाहता है। मैं नहीं, हम लोग एक मिनट का एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा रिपेंटेंस का प्रार्थना, ठीक है? आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, और आपको जोर जोर से बोलने का जरूरत नहीं है, और जो लोग मुझे देख रहे हैं आप भी आज अपने पापों के लिए आप रिपेंटेंस या फिर आप क्षमा मांग सकते हैं, आप पश्चाताप कर सकते हैं।
आई हम एक मिनट के लिए इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। प्रभु यीशु, मैं ये मानता हूं कि मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है। मैंने अपने चिंताओं में, मैंने अपने बातचीतों के द्वारा, मैंने अपने जिंदगी के द्वारा आपका दिल दुखाया है। आपने जो मुझे मना किया प्रभु, मैंने वही किया। आज मैं अपने गुनाहों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, मैं दुखी हूं इस बात से कि मैंने आपके आज्ञाओं का उल्लंघन किया। मुझे क्षमा कर दे, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे। यीशु के नाम से मांगो, आमीन। चलिए आगे। तो स्त्री ने आकर के क्या किया? उसने रिपेंट किया। किस तरह से रिपेंट किया? कि जिस हाथ से मैंने गंदा काम किया है, उस हाथ को और मैं गंदे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिस होंठ को मैंने इस्तेमाल किया गंदे काम के लिए, आज से वो होंठ क्या करेगा? यीशु मसीह के पैरों को चूमेगा। जिस आंख से मैंने गंदा चीजें देखा है, उस आंख से सिर्फ और सिर्फ मैं आज यीशु मसीह को देखूंगा। ये होता है रिपेंटेंस, पश्चाताप। तो उसने सबसे पहले अपने जिंदगी को उसने यीशु मसीह के पास समर्पित किया। और उसके पास एक चीज था, वो था एक एक्सपेंसिव इत्र, और उसको भी उसने क्या किया? यीशु मसीह को उसने गिफ्ट किया। ठीक है, आपके पास क्या है आप उसे दीजिए यीशु के चरणों में, यीशु के लिए। तो इस फरीसी ने कहा कि अगर सच में ये कोई भविष्यवक्ता होता तो इसको पता होता कि इसके इसके चरणों में जो औरत बैठी हुई ये कौन है। अपने धार्मिकता के ऊपर ज्यादा घमंड मत करो। हमें से कितना जन है पता नहीं यहां पे कौन होगा, लेकिन आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेगा जो कि अपने धार्मिकता के ऊपर में बहुत ज्यादा घमंड करते हैं। सेल्फ राइचियसनेस उसे इंग्लिश में कहा जाता है। कभी ऐसा घमंड हुआ है? कब ऐसा होता है पता है? कब लोग खराब दिखना शुरू होता है, कब लोग बुरा लगने लगता है, कब सब लोग पापी लगने लगता है? जब आप सोचते कि आप बहुत बड़ा धर्मी है। ठीक है, कौन मतलब चरित्रहीन, बच्चलन, ठीक है, कैरेक्टरलेस लगने लगता है जब आप अपने आप को बहुत धर्मी समझ लेते हो, और जब अपने आप को दूसरों के साथ क्या करने लगते हो? कंपेयर करना शुरू करते हो। ठीक है, जखन तुम्ही অন্যদের সঙ্গে নিজেদেরকে কি করতে শুরু করো, তুলনা করতে শুরু করো, তখন কি মনে হয়? ও তো পাপী, ও তো চরিত্র খারাপ, ও তো এরকম, ও তো এরকম। লেকিন জব আপ ইয়েশু মসীহ কে স্ট্যান্ডার্ড মে, ইয়েশু মসীহ কে পাস জো স্কেল হে, আর উস স্কেল সে জব তুম আপনে আপকো মাপোগে, তো আপকো পতা চলেগা কি আপ ভি সেম হো আর ও ভি সেম হে। আপ ভি ওহি হো আর ও ভি ওহি হে, क्योंकि बाइबल कहता है कि सब ने पाप किया है, हर एक कोई पापी है, और आप में से और हम में से कोई भी व्यक्ति खुद से धार्मिक नहीं बन सकते। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा और उसके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा हम क्या हुए हैं? पापों से हमें क्षमा मिला है। हमने कुछ भी अर्न नहीं किया है, हमने कुछ भी कमाया नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आइए दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना, तुलना करना हम बंद कर दें। ठीक है, आप कौन हो और आप क्या हो, सिर्फ आप इस वचन के अनुसार अपने आप को देखो, यही काफी है आपके लिए। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स, दूसरों के साथ तुलना करना बंद कर दो अपने आप को। अपने धार्मिकता के ऊपर अहंकार और घमंड मत करो। लोगों को बोलना बंद करो कि ये कैरेक्टरलेस है, इसका स्वभाव खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है,
उसका न्याय खुद प्रभु यीशु मसीह कर लेगा। जब ये फरीसी कहता है कि अगर यीशु सच में एक भविष्यवक्ता होता तो इसको पता होता कि इसके पास में कौन बैठा है, इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है कि यीशु को पता नहीं है कि उसके साथ एक वेश्या बैठी हुई है, लेकिन मुझे तो पता है कि वो एक वेश्या है। थैंक गॉड मैं उससे दूर हूं बिकॉज आई एम अ गुड पर्सन। लेकिन वो बहुत जल्दी आ रहा है न्याय करने के लिए। इसीलिए हम जितना ज्यादा हो सके हम खुद पर अगर ध्यान दे, खुद पर अगर हम काम करें तो हम और आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, और हम जितना अच्छा है हम उससे भी और अच्छा और बेटर हो सकते हैं। हमारा जीवन जिस जगह पे जिस स्तर पर है रुका हुआ, क्यों रुका हुआ है पता है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम इसको और उसको देख रहे हैं, इसको उसको उंगली कर रहे हैं। चलिए इन सभी बातों को बंद करके हम अपने जीवन को हम ध्यान में दे, हमारे तरफ हम अपने ध्यान को घुमाए तो क्या होगा पता है? जहां पे रुका है आप फट से बढ़ना चालू करोगे, फिर से आपका जीवन ग्रो करेगा, आत्मिक जीवन। और पहले मेरा ऐसा स्वभाव था, जानते हैं मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूं? क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा पहले था, मैं बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी से मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, मेरा दिमाग खराब हो गया था इन लोगों को देख देख कर कि ये लोग क्या कर रहा है। प्रभु के नाम से कोई धंधा कोई बिजनेस चला रहा है, कोई इधर से पैसा कोई उधर से पैसा ला रहा है, कोई इधर क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये मेरे आपके सामने में हो रहा है ना, और ये सब देख करके मैं इन बातों को अनदेखा नहीं कर पा रहा, ठीक है। मैं बहुत आज मुझे समझ में आता है कि जो कुछ भी मेरे आंख के सामने में हो रहा था प्रभु मुझे ये सिखाना चाह रहे थे कि मुझे वो चीजें नहीं करना है, ना कि मुझे उनका क्रिटिसिज्म या फिर आलोचना नहीं करना है, बस उन सभी चीजों से मुझे खुद को दूर रहना है, और उन चीजों का जो डिस्कशन होता है आलोचना होता है वो सब करते करते हम क्या करते हैं, हमारे समय को हमारे जीवन का जो बहुमूल्य समय है जो वैल्यूएबल टाइम है उसको हम बर्बाद करते हैं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारा समय ऐसा गवाया, उसके बाद से मैंने अपना पूरा आंख बंद कर दिया, कान भी ऐसा कर एकदम नहीं, मुझे कुछ देखना नहीं है, बोलना भी नहीं सुनना भी नहीं है, बस मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दूंगा। और जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो प्रभु ने मुझे आशीष दिया, मैं बहुत ऊपर उठने लगा, मेरा आत्मिक ग्रोथ होने लगा, ठीक है। स्टॉप जजिंग अदर्स, दूसरों का न्याय करना, दूसरों के साथ अपना तुलना करना बंद कर दो, अपने धार्मिकता को लेकर के ज्यादा कॉन्फिडेंट मत बनो, क्योंकि यीशु मसीह अगर सामने में खड़ा हो गया ना तो तुम्हारा सभी धार्मिकता उतर जाएगा। इसीलिए डोंट बोस्ट, घमंड मत करो। अब क्या होता है, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे समोन मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? समोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसके अधिक उसने अधिक छोड़ दिया। सपोज मेरे पास से इस भाई ने 500 रुपया उधार लिया है और इसने 5000 उधार लिया है, ठीक है। अब दोनों का ही क्या नहीं है, ये लोग चुका नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, इसका भी माफ कर दिया और उसका भी मैंने माफ कर दिया। तो मैं अब आपसे प्रश्न करता हूं, जिसका 500 समा हुआ है या फिर जिसका 5000 मैंने माफ किया, कौन मुझसे ज्यादा प्रेम करेगा? जिसका 5000 मैंने क्षमा किया, पता है ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो फैरिसी ने यीशु मसीह के प्रति उसने मुड़ करके भी नहीं देखा, और उसको ऐसा लगा भी नहीं, जरूरत भी नहीं लगा कि मैं यीशु को वेलकम करूं, यीशु का पैर धोऊं, है कि नहीं, उसको ये सब जरूरत नहीं लगा। लेकिन उस स्त्री को ये सब जरूरत लगा था, क्योंकि फैरिसी का नहीं लेकिन इस स्त्री का ही ज्यादा पाप क्या हो गया था, क्षमा हो गया था। कुछ लोग हमें कहते हैं, अब मैं आपको एक बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, ये बात शायद आप लोग नहीं सुनते होंगे, आप लोगों को नहीं बताया जाता, बोला नहीं जाता, लेकिन हम लोगों को बोला जाता है,
जो लोग सेवकाई कर तो जीशु जीशु क्यों करिस। हम लोग को कौन कहता है? अपने लोग कहते हैं। इतना यीशु यीशु करने का क्या है? पता है क्यों हम लोग करते हैं यीशु यीशु? क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा क्षमा हुआ है पाप। मैं बहुत बड़ा पापी था और मेरा बहुत पाप क्षमा हुआ है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा यीशु यीशु करता हूं। मेरा बहुत क्षमा हुआ है, इसीलिए मुझे बहुत प्रेम मिला है उससे, बहुत दया मिला है, बहुत अनुग्रह मिला है, और इसी वजह से क्या होता, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत यीशु यीशु करता हूं। और जिसका पाप क्षमा नहीं हुआ है, जिसका गुनाह माफ नहीं हुआ है, जिसने पश्चाताप नहीं किया है, जो यीशु मसीह के साथ टेबल में खाता उठता बैठता है, रोज धूप धुना दे गाड़ी ते जीशु, देवाले जीशु, सब जाएगा जीशु, वो यीशु यीशु कहां से करेगा? क्योंकि उसका तो क्षमा ही नहीं हुआ है। लेकिन मेरा क्षमा हुआ है भाई, और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा जीशु जीशु कूदते था कि हमें। आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं, आपको अगर बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, ये सच्चाई है, और यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हुए सब कोई अपने कानों में डालो, अगर आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, अगर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम 5:30 नहीं 6:45 चलते हैं, हाँ, आपको अगर नहीं ऐसा जरूरत लगता है कि मैं आराधना करूं, तो मैं आपको बता रहा हूं आपके अंदर में बहुत बड़ा एक बीमारी है, बहुत बड़ा, और वो आपको मृत्यु तक लेके जा रहा है। आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, इसी वजह से आप क्या नहीं करते, वो महसूस नहीं करते यीशु को, आपको जरूरत नहीं महसूस होता है। लेकिन मेरा बहुत ज्यादा क्षमा हुआ है, इसीलिए मुझे महसूस होता है कि मैं बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ूं। जो लोग ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ते ही रहते हैं हर समय, वो लोग प्रार्थना करते हैं ज्यादा से ज्यादा समय लगता है कि नहीं, सब काम निपटा के मैं कैसे प्रभु के चरणों में बैठूं, आज 5:30 यहाँ पे प्रेयर है, संडे को चर्च है, मुझे जाना ही होगा, जितना भी काम रहे, जो तो बड़ो बड़ो भाड़ा था वो जाए था वो जय मोरे जा गांव के चार चीज हो गए आगे, मुझे सहभागिता में जाना होगा। अगर कोई व्यक्ति इन जरूरतों को अनुभव नहीं करता है तो उसका क्षमा नहीं हुआ है। लेकिन जो इन बातों का जरूरत को अनुभव करता है उसका बहुत ज्यादा पाप क्षमा हुआ है मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा। अगर आप हर समय जीशु जीशु कर रहे हैं तो बेटा भालो लोग कौन खराब नो है, किंतु जे कोच्चे ना जार होच्चे ना एटा विराट बड़ो बाजे लोग कौन एटा, क्योंकि वो बीमार है और वो उसको अनंत मृत्यु तक उसको धकेल कर लेके जा रहा है, क्योंकि उसका क्षमा नहीं हुआ है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चले जा। तो किसने स्त्री को बचा लिया? उसके उसके विश्वास ने उसे बचा लिया। तो अगर आप बचना चाहते हैं अपने पापों से, अगर आप अपने पापों से उद्धार पाना चाहते हैं, तो आपका विश्वास ही आपको बचा सकता है। लेकिन सबसे पहला जो है वो है आपको पश्चाताप करना है, और उसके बाद आपको विश्वास करना होगा कि वो अपने पापों के लिए, आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए वो मरा, ठीक है, वो मरा, वो गाड़ा गया और वो तीसरा दिन जी उठा। आपको ये विश्वास करना होगा यीशु मसीह के ऊपर और किसी के ऊपर में नहीं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास आपको क्या करेगा, आपको बचाएगा। योर फेथ विल सेव यू। लास्ट में पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। अब यीशु ने उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से जा। और इंग्लिश में यह लिखा है कि गो इन पीस, शांति दे जाओ, ठीक है। अब ये शांति की रकम शांति, जगत जे रकम दे सही शांति
নয়, সেটা পার্মানেন্ট শান্তি, সেটা ক্ষণস্থায়ী শান্তি না। ঠিক আছে, ঈশ্বর যখন আমাদেরকে শান্তি দেন, প্রভু যীশু বলছেন যে আমি আমার শান্তি তোমাদেরকে দিচ্ছি। তো জব ইয়েশু মসীহ হমে শান্তি দেনে কা ওয়াদা ইয়া প্রমিস করতে হ্যায়, তো উনকা জো শান্তি হ্যায় ওয়ো ক্যা হ্যায়, ওয়ো ইটারনাল হ্যায়, ওয়ো অনন্ত কাল কে লিয়ে হামারে সাথ রহতা হ্যায়, ওয়ো হমে ছোড়তা নেহি হ্যায়। ঠিক হ্যায়, লেকিন জব হম ইস দুনিয়া সে ক্যা হোতা ইয়া ফির দুনিয়া কে কিসি চিজো সে হম জব শান্তি ঢুঁড়নে কা কোশিশ করতে হ্যায়, তো ওয়ো ক্যা হোতা হ্যায়, ও কুছ সময় কে লিয়ে হোতা হ্যায়, ও থোড়ি দের কে লিয়ে হোতা হ্যায়। তো যদি তোমাকে শান্তি দরকার আছে তাহলে যিশুর কাছে আসো, আর আগর আপকো শর্ট টার্ম কে লিয়ে শান্তি চাইয়ে তো ইধার উধার আপ ক্যা করোগে, ভটকতে রহোগে। ইয়েশু কে পাস আও, ইয়েশু আপকো শান্তি দেগা, আর ও শান্তি ইটারনাল হ্যায়, দুনিয়া জেসে দেতা হ্যায় ওয়েসা নেই হ্যায়। জব ও আপকো শান্তি দেগা তো জিন্দগি মে আপকে পরিবার মে জিতনে ভি বড়ে বড়ে তুফান আয়ে और जितने भी बड़े बड़े समस्याएं, आपको वो टस से मस नहीं कर सकता, आपको यहां से वहां कहीं पे भी वो क्या नहीं कर सकता, वो हिला नहीं सकता है, क्योंकि वो शांति आपके अंदर में है। और वो शांति आपको क्या करता है, ये आश्वासन देता है, ये विश्वास देता है कि मेरा खुदा, मेरा प्रभु, मेरा यीशु मेरे साथ है। परमेश्वर हम सभी को उसके वचन के द्वारा आशीष।